नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। बैडमिंटन खेल को बढ़ावा देने के लिए चाईबासा में डे बोर्डिंग सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने किया। बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में संचालित होने वाले बैडमिंटन डे बोर्डिंग सेंटर के लिए जिला खेल कार्यालय की ओर से 10 से 14 साल के 20 बालक और 20 बालिका का चयन किया गया है। 3 प्रशिक्षक चयनित किए गए हैं, जो इन बच्चों को प्रतिदिन प्रशिक्षण देंगे। सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और पूरी ईमानदारी से खेलने की अपील की। कहा कि जिला ही नहीं, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, ऐसा सोचकर मेहनत करें। एसपी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम में बैडमिंटन के लिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्र हो, इसके लिए वह प्रयास कर रहे हैं। आवासीय प्रशिक्षण केंद्र होने से बच्चों को बेहतर मौका मिल पाएगा। बैडमिंटन डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। विभाग की ओर से 3 प्रशिक्षकों का नियुक्ति हुआ है, उसके साथ में 20 बालकों का, 20 बालिकाओं का नियुक्ति हुआ है और आज से हमारा प्रशिक्षण शुरू होगा। और डिसिप्लिन के साथ, मतलब रोजाना इनका एक समय फिक्स होगा, क्योंकि 40 बच्चे बच्चियाँ हैं तो 3 इसके प्रशिक्षक हैं, उनका एक समय दिया जाएगा कल से और ये अपने समय के अनुसार आएंगे प्रशिक्षण लेंगे। कुछ बच्चे बच्चियाँ हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ खेलता रहा हूँ, तो कुछ बच्चे बच्चियाँ खुद नहीं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे खेलते हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में और अच्छा खेलेंगे। मैंने कहा कि अभी हम लोग इससे बात हुई है, इस हिसाब से मेरी बात हुई है, तो हम लोग आने वाला दिन में इसके लिए बच्चे भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर देहात से बच्चे भी आते हैं और खेलना चाहेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए अच्छा होगा कि रेसिडेंशियल यहाँ पे सेंटर हो, ताकि वो यहीं पे रहें, अपने पढ़ाई भी करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में 22 साल के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। परिवार के लोग बता रहे हैं कि रविवार की रात वह घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। सोमवार की सुबह गांव के एक व्यक्ति ने उसके मृत होने की सूचना दी। गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक पेड़ से गमछे के सहारे लटककर युवक ने आत्महत्या की है। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। संपूर्ण हिंदू समाज चक्रधरपुर के बैनर तले हिंदू नववर्ष के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 5 तक की बैठक आदि दुर्गा पूजा समिति पुराना बस्ती के प्रांगण में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अशोक सारंगी ने की। इस बैठक में तय हुआ कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल को चक्रधरपुर के पोटका शिव मंदिर से बस स्टैंड हनुमान मंदिर तक एक भव्य शोभा यात्रा एवं हनुमान मंदिर से भव्य महाआरती होगी। इस अवसर पर अशोक सारंगी ने कहा कि हमारा प्रयास समाज को जोड़ना है, न कि तोड़ना। हम उस धर्म से आते हैं जो कि सनातन है, सबसे पौराणिक है। हमारी परंपराओं का अनुसरण आज पूरा विश्व कर रहा है और हम भी पाश्चात्य परंपराओं का पालन कर रहे हैं। हमें जागरूक होना होगा और अपनी परंपरा को मानना होगा। हिंदू नववर्ष को बहुत धूमधाम से मनाना है। हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा में चक्रधरपुर के हर गांव, हर वार्ड से लोग को पहुंचना है। सफल बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये कार्यक्रम नया नहीं है, परंतु अपनी समाज में पूरे देश की व्यवस्था ने इसे बना के रखा है कि हम अपने जानते हुए बृहस्पतिपदा हमारे नववर्ष है और उसने हमारा शुभ दिन है हमारा, और जिससे भी अपना जो हिंदू संस्कृति का जो कैलेंडर इसी से ही प्रारंभ होता है,
ये तो हम इंग्रेज सभ्यता के 1 जनवरी को 1 जनवरी को हम नववर्ष मनाते हैं, परंतु हमारी संस्कृति नहीं है। आज जब विदेश हमारा संस्कृति को ग्रहण कर रहा है, हम पूरे विश्व का विश्वगुरु बनने के लिए तैयार होकर चले हैं, पथ पर चले हैं, और हम अपने संस्कृति को अगर पीछे हटेंगे तो आज इसलिए हिंदू समाज विघटित होकर पड़ा है। हिंदू समाज में हम जात पात की जो कुरीति भरी है उसे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारा जात सिर्फ मनुष्य है, मानविक है, मनुष्य है। हमारा जात कहीं पर चला गया, बहुत जमाना बीत चुका है। अगर इसकी इतिहास को उठा, मैंने कहा ना इतिहास को पलट लो एक बार, महाराजा छत्रपति शिवाजी देखो, महाराणा प्रताप को देखो, जिन्होंने लड़ करके अपने हिंदू साम्राज्य को कायम किया था। मुगलों ने कई आक्रमण किया, सब मिलकर हिंदू समाज को नष्ट किया, परंतु हिंदू समाज नष्ट नहीं हुआ। क्यों? राष्ट्र तभी भी जिंदा और आज भी जिंदा है। गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी ने कहा कि हम सभी हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाना है। इसके साथ ही इस शोभा यात्रा को प्रत्येक वर्ष निकालना है एवं इसे एक परंपरा बना लेना है। आज हिंदू धर्म को बचा कर रखा है तो हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं का रग खून पानी हमारे शरीर में है। इसलिए हमारे जितने भी चगदहपुर में 23 वार्ड है और चगदहपुर विधानसभा में भी ग्रामीण क्षेत्र है, जिन लोगों से भी संपर्क हो, क्योंकि यह अपने अस्तित्व का सवाल है, यह श्री अशोक सारंगी जी का या किसी संगठन का इज्जत की बात नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की अस्तित्व की बात है। अगर हिंदू घर से निकलता है और अगर 500 और 1000 की संख्या हो तो इससे बड़ा हास्य मुझे नहीं लगता कि होगा। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जिन लोगों को नहीं जानता उनके कार्यों से मैं अवगत हूँ कि उनमें काबिलियत है, उनमें क्षमता है कि अपने कम से कम 20 सदस्यों को तो वो अपने बोलने से ला ही सकते हैं। जैसे आज आदि शक्ति पुराना बस्ती में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आया आया नीलम सुन स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम सुन स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है, शिक्षा ज्ञान से पारिवारिक कल्याण और सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। आज सरकार की ओर से उतने सारे शिक्षण संस्थान एवं शैक्षणिक गतिविधियां चलाई जा रही है, अनिवार्य रूप से उसका हिस्सा बने। यह बातें बंदगांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय महासचिव गब्बर सिंह हेमरम ने कही। कुल्हान समन्वय मंच के सौजन्य से चल रहे सामाजिक जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से प्रबंध एनएसएस एवं आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से ग्राम सभा का महत्व, संवैधानिक अधिकार, जनजातीय अधिकार एवं सरकार के जनोपयोगी और कल्याणकारी एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में पंचायत वासियों को जानकारी दिया गया। डालसा के PLV जिदन मुंडू ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत कानूनी एवं न्याय सहायता के बारे में जानकारी दिया तथा राजेश कुमार नायक ने प्रधानमंत्री
मातृ वंदना योजना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी और आवेदन की प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही असामाजिक, गैर जिम्मेदाराना तथा असंवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ लोगों को जागरूक एवं संगठित किया गया। इसके अलावे कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट के नाम पर चल रहे असंवैधानिक गतिविधि के प्रभाव में न आने के लिए अपील किया गया। इसको लेकर उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए अपील किया गया। जी, आप कम से कम जो आम काम बोल पढ़ाओ ना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़वाइए। अम्मा जय होन जरूर पढ़ाओ जी में। अम्मा जय होन रे आम इना चिरकल रे काम नीना तो हतमा होन रे पीरी वाला दुरेंग नीना तो ततम तिरके तपा वाला दुरेंग इना तो जयम गोसो वाला दुरेंग नीना तो उरी मेरम वाला दुरेंग। लेकिन पढ़ते पढ़ते भी डेली बच्चे को बोलो कि आज तुम स्कूल में क्या पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद जब आएगा डेली दिन पढ़ा पढ़ाएगा, डेली दिन पढ़ा पढ़ाएगा ना मुस्लिम कजी दी इचा जाओगे जाओगे मैंने होती हम पढ़ाओ यार इतना त्याग तो कहीं पढ़ा पड़ता ना इतना त्याग इसे पढ़ाओ ये मिनट ये तो बोल सकते। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्य समिति एवं संगठनात्मक संरचना पर चर्चा की गई। बीते दिनों संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। जिस प्रखंड में कार्य समिति नहीं हुई उसकी तिथि तय की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अशोक सारंगी ने कहा कि संगठन का मूल कार्यकर्ता होता है और हमारे संगठन के मोर्चा कार्यकर्ता उसके वृक्ष के जड़ की तरह है और हमें अपने जड़ों को जितना मजबूत करेंगे वृक्ष उतना मजबूत होता है। वैसे ही पार्टी की मोर्चा को जितना सशक्त बनाएंगे कल का भारतीय जनता पार्टी उतना सशक्त दिखेगा। इसलिए उपस्थित सभी मोर्चा का अध्यक्ष से कहा गया कि आप अपने मोर्चा का प्रखंड स्तर पर पूरी कार्य समिति का गठन करें, नियमित बैठक आयोजित करें, फिर आप देखें कि पार्टी की स्थिति कैसे धीरे धीरे बदलती है और संगठन मजबूत होता चला जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान समय में झारखंड सरकार विकास विरोधी हो गई है और समाज में भ्रम फैलाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसी सरकार का विरोध करते हुए हमें अपने क्षेत्र की जनता को इसके करतूतों को बताना होगा। विधानसभा स्तर पर बैठक आयोजित करना है और चरणबद्ध आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार करनी है। साथ ही आगामी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है जिसे भव्यता से मनाना है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मतिथि को सामाजिक समरसता के रूप में मनाना है। झारखंड के महान राजनीतिज्ञ, लेखक एवं ओलंपिक में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी बनाया गया। डिजिटल लाइब्रेरी कोल्हान समूह के सौजन्य से मेरी टोला चाबासा में सामाजिक स्तर पर संचालित पुस्तकालय को आज कंप्यूटर, प्रिंटर एवं जियो फाइबर इंटरनेट कनेक्शन से सुसज्जित किया गया। लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप ने आश्वासन दिया कि पुलहातू डिजिटल लाइब्रेरी, बानटोला लाइब्रेरी, इंदिरा कॉलोनी चक्रधरपुर लाइब्रेरी की तरह मेरी टोला लाइब्रेरी में भी LED स्मार्ट TV लगाया जाएगा जिसमें बच्चे बहुत आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाई से संबंधित किसी भी आवश्यकता के लिए समाज के पदाधिकारियों से संपर्क रखने को कहा गया है ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सत्ताईस मार्च को रविंद्र भवन में शहर के 42 अखाड़ों के अध्यक्ष तथा महामंत्री अपने वोट द्वारा महावीर मंडल की सत्र 2022-23 हेतु 21 सदस्यीय कार्य समिति का चुनाव करेंगे। इस बात का निर्णय आज महावीर मंडल की चुनाव समिति की संपन्न हुई बैठक में लिया गया। बैठक महावीर मंडल के संरक्षक तथा मुख्य चुनाव अधिकारी राजकुमार रजक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में दोनों चुनाव अधिकारी तथा संरक्षक अनुप कुमार सुल्तानिया तथा मनोज कुमार शर्मा भी शामिल थे। पेट्रोल
बढ़ती कीमतों से यदि आप परेशान हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो अब चाईवासा में भी आपके लिए यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है। एम्पियर कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर जमशेदपुर में तो मिलते ही हैं, अब चाईवासा में भी मिलेंगे। एम्पियर कंपनी ने चाईवासा में मोटर वर्ल्ड के माध्यम से लोगों को यहां गाड़ी उपलब्ध करने की व्यवस्था की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खासियत क्या है, यह कितना किफायती है, चार्जिंग पर खर्च कितना आने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में कंपनी की ओर से अमित खंडेलवाल द्वारा जानकारी दी गई। और ये गाड़ी आपको जमशेदपुर में अनविका मोटर्स, जमशेदपुर इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स, चाईवासा में आपको मोटर वर्ल्ड में गाड़ी मिल सकती है। और भी बहुत जगह शोरूम आ रहे हैं, जल्दी उनका वो सब का भी नाम आपको जल्दी पता चल जाएगा मीडिया से या सोशल मीडिया से। और इस गाड़ी में फीचर्स की बात करें तो ये सारी गाड़ी जो आप देख रहे पीछे सब लो स्पीड है। लो स्पीड गाड़ी का मतलब होता है कि उस गाड़ी में नो लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसकी स्पीड लिमिट जो होती है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस गाड़ी में लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो बेसिकली जो हम मोबाइल में जो बैटरी लगता है वो बैटरी होता है, जो एसिड बैटरी नहीं होती है। उसका लाइफ भी ज़्यादा होता है और वो एक चार्ज में, ये गाड़ी एक चार्ज में 55 से 60 किलोमीटर एवरेज देती है। इस गाड़ी में जो फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में डिक्की का स्पेस, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैटरी लगने की वजह से डिक्की का स्पेस नहीं मिल पाता है, लेकिन इस गाड़ी में फीचर्स इतने बढ़िया है कि इसमें डिक्की का बूट स्पेस आपको उतना ही मिलता है जितनी आम गाड़ी हम जो पेट्रोल की लेते हैं उसमें। किफ़ायती के मामले जाएंगे तो गाड़ी का रेंज, गाड़ी का प्राइस सब कुछ बहुत जेन्युइन है और बहुत बढ़िया है। और इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि इसमें इंजन नहीं होता है, बैटरी मोटर होता है, चार्ज कीजिए चलाइए, एक चार्ज में गाड़ी 55 से 60 किलोमीटर, यानी एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट की बात करें तो 10 रुपये एक यूनिट फुल चार्ज होती है, 10 रुपये आएंगे, 10 रुपये में आप 50 से 60 किलोमीटर गाड़ी चला पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।